नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में जयराम महतो ने बनाई नई पार्टी, लोकसभा व विधानसभा चुनाव में ठोकेंगे ताल। छात्र नेता जयराम महतो ने रविवार को एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। इस पार्टी का नाम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS रखा है। वहीं इस पार्टी का चिन्ह टाइगर रखा है। जयराम इस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। नई पार्टी की घोषणा के साथ ही उन्होंने झारखंड के सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही कहा है कि जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता तब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे। बता दें, रविवार 18 जून 2023 को बलियापुर के हवाई पट्टी मैदान में राज्य स्तरीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से JBKSS का गठन फैसला किया गया। तकरीबन 4000 पहिया वाहनों की कतार, 10 से 15 हजार बाइक सवार, वहीं 44 डिग्री पारा में भी 50 हजार लोगों की भीड़। लोगों का उत्साह ऐसा जिससे अंगारे बरसा रही गर्मी भी हार मान जाए। बता दें, यह नज़ारा है धनबाद शहर से तकरीब 30 किलोमीटर दूर बलियापुर हवाई पट्टे के विनोद धाम का, जहां झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की पहली जनसभा आयोजित हुई है। झारखंड में भीषण गर्मी की वजह से 21 जून तक स्कूल बंद। झारखंड में गर्मी के कहर को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के बच्चों के स्कूल को 21 जून तक बंद कर दिया गया है। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया उसमें बताया गया है कि 8वीं तक की कक्षाएँ 21 जून तक बंद रहेंगी। बता दें कि पहले 19 जून तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन राज्य में बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से छुट्टी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहीं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में कक्षा KG से कक्षा 8वीं तक के स्कूल 19 जून से 21 जून तक बंद रहेंगे, जबकि कक्षा 9 से 12 तक की क्लास सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक संचालित होगी। UPSC PT पास करने वाले SC ST को 1 लाख रुपए 27 जुलाई तक करे आवेदन। SC ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC की PT परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। यह राशि विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार की तैयारी करने में मदद करेगी। आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण SC ST छात्र छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना का लाभ झारखंड से इंटर और स्नातक परीक्षा पास करने वाले SC ST छात्र छात्राओं को ही मिलेगा। बता दें, सभी स्रोतों से अधिकतम पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये योजना का लाभ लेने की पात्रता है। किसी भी अभ्यर्थी को योजना का लाभ एक बार से अधिक नहीं मिलेगा। इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित कोचिंग का लाभ ले रहे विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। CM हेमंत से मिले CPI के राष्ट्रीय महासचिव। आदिवासी व विस्थापन पर हुई बात। झारखंड के CM हेमंत सोरेन से रविवार को भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव DR राजा ने मुलाकात की है। इस दौरान झारखंड में विस्थापन की समस्या, भूमि अधिग्रहण, बालू का उठाव, गर्म जरूर जमीन का मुआवजा, चतरा जिले के शिवपुर कठौतिया रेलवे लाइन का मामला, अरावली एक्सप्रेस में गर्म जरूर जमीन के अधिग्रहण पर मुआवजा समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई है। बता दें, देश के मौजूदा हालात, झारखंड के आदिवासी समेत अन्य कई मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेट CPI के राष्ट्रीय महासचिव DR राजा के नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला है। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 25,996 पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्यों के पद पर होने वाली नियुक्ति के लिए सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है। अब नियुक्ति की अनुशंसा कार्मिक विभाग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। बता दें, पहले चरण में सहायक आचार्य के 25,996 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद सम्मिलित हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से अनुशंसा मांग कर कार्मिक विभाग को भेज दी थी, लेकिन कार्मिक विभाग ने उसमें कुछ त्रुटियां बताई, जिसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उनमें सुधार का संशोधित अनुशंसा के साथ विभाग में बुलाया। इसके लिए रविवार को भी विभाग खुला रखा गया, जिसमें जिलों से प्राप्त अनुशंसाओं में सारी विसंगतियाँ दूर कर दी गई है। पाकुड़ में आम तोड़ने के लिए 2 गुटों में झड़प में भाइयों की हत्या। झारखंड के पाकुड़ जिले में आम तोड़ने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। बढ़ते विवाद के बाद दोनों गुटों के लोग आपस में मारपीट करने लगे।
हिंसक झड़प में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि यह घटना महेशपुर पुलिस थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव की है। दो गुटों के बीच आम तोड़ने को लेकर शनिवार की रात मारपीट हो गई। पुलिस ने बताया है कि इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई आरोपी गिरफ्तारी के डर से गाँव छोड़कर फरार हो गए। दो भाई डेविड धन मुर्मू और वकील मुर्मू की दूसरे गुट के लोगों ने हत्या कर दी है। रांची पहुंची वंदे भारत ट्रेन, 27 जून को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। रांची से पटना चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का दूसरा ट्रायल रन रविवार को हुआ। पटना से दूसरी ट्रायल में वंदे भारत 16 मिनट लेट से हटिया पहुंची। वहीं हटिया पहुंचने का सही समय दिन के 1:20 था, लेकिन ट्रेन 1:36 पर पहुंची। वंदे भारत ट्रेन पटना से सुबह निर्धारित 7 हटिया के लिए रवाना हुई। यह हटिया के 2 के प्लेटफॉर्म में रुकी। यहां करीब 2:19 खड़ी रहने के बाद यह अपने निर्धारित समय 3:55 पर पटना के लिए रवाना हुई। बता दें, वंदे भारत ट्रेन पटना से जहानाबाद गया, कोडरमा, हजारीबाग, बरकाखाना, मेसरा, रांची होते हुए रांची आई। वहीं ट्रेन रांची स्टेशन में 1:23 पर आकर 1:27 हटिया के लिए प्रस्थान किया। झारखंड के 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 19 और 20 जून को गर्मी थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर लू से खास राहत नहीं मिलेगी। इन 2 में राज्य के कई हिस्सों में लू चलेगी, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। ऑरेंज अलर्ट में आने वाले जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल है। वहीं हजारीबाग में भी येलो अलर्ट जारी है, जबकि बाकी जिलों में कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि 20 जून के बाद लू से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 20 और 21 जून को गढ़वा, चतरा और पलामू में ही हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है, बाकी जिलों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया पहुंचे राज्यपाल, बोले ग्रामीणों को जागरूक होने की जरूरत। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया स्थित भातकुंडा पहुंचे। यहां संत निरंकारी मिशन आश्रम में आयोजित प्रशासनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि राज्य में केंद्र सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाएं समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचा रही है। हमने यह महसूस किया है कि सिर्फ सरकारी सहयोग से ही पूर्ण विकास संभव नहीं, बदलाव के लिए ग्रामीणों को खुद जागरूक होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। रांची के दीपा टोली आर्मी कैंट के पास लगी भीषण आग। राजधानी रांची के दीपा टोली स्थित आर्मी कैंप के पास भीषण आग लग गई। सरना टोली के पास लगी आग की लपेट विकराल रूप धारण कर ली। इससे आसपास के लोग सहम गए। बता दें, आगजनी की जानकारी मिलते ही दमकल और सेना की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटे। सबसे पहले आग सूखे पेड़ और पत्तियों में लगी, इसके बाद देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया। इधर कड़ी मकसद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल इस भीषण आगजनी में कोई भी नुकसान होने की सूचना नहीं है। आजसू पार्टी 22 जून को मनाएगी संकल्प दिवस। आजसू पार्टी 22 जून को झारखंड में संकल्प दिवस मनाएगी। संकल्प दिवस की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान राज्य गठन के उद्देश्य का मूल्यांकन करते हुए राज्य की दिशा और दशा पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान आजसू पार्टी के नेता एवं पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित भी करेंगे। बता दें, 13 जुलाई तक विधानसभा में जन पंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो शामिल होंगे। वहीं अलग अलग विधानसभा में पार्टी के पदाधिकारी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 19 जून को नेत्र उत्सव। सोमवार 19 जून 2023 को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु जगन्नाथ का नेत्र उत्सव होगा। इस मौके पर जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा के 9 यौवन रूप के दर्शन होंगे। प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा 14 दिनों के बाद भक्तों को दर्शन देंगे। बता दें, मौके पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। हरिभंजा के जगन्नाथ मंदिर में दिन में ही नेत्र उत्सव किया जाएगा, साथ ही भंडारे का आयोजन कर प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। बता दें, खरसावा, सरायकेला समेत अन्य स्थानों पर सोमवार की रात को नेत्र उत्सव होगा। बोकारो के लुगु पहाड़ी में हनुमान मंदिर में मूर्ति चोरी। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया थाना क्षेत्र ललपनिया गोमिया मुख्य पथ में लुगु घाटी मार्ग स्थित 2.5 पुराने हनुमान मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति की चोरी कर ली गई। बाकी कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं देखी गई।
स्थल में मूर्ति के नाम मात्र के अवशेष पड़े थे। सुबह जब रोजाना की तरह कुछ लोग पूजा करने पहुंचे तो घटना का पता चला। मंदिर के अंदर मूर्तियां गायब थी। देखते ही देखते घटना की खबर चारों ओर फैल गई। बीहिप और आरएसएस के लोग पहुंचे और घटना की निंदा करते हुए आक्रोश जताया है। उर्दू शिक्षकों ने जताई नाराजगी, स्कूलों को रविवार को बंद रखने के आदेश का विरोध। गर्मी के कारण केजी से कक्षा 8वीं तक स्कूलों को 21 जून तक बंद रखने का आदेश रविवार को जारी होने पर उर्दू स्कूलों के शिक्षकों में नाराजगी है। रविवार को झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ की विशेष बैठक हुई, जिसमें इस पर चर्चा हुई। कहा गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आदेश जारी करने में उर्दू स्कूलों की उपेक्षा की जाती है। इसमें ग्रीष्मकालीन सत्र पूर्व की तरह सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक करने की मांग भी उठी है। वहीं बैठक में कहा गया है कि शिक्षा सचिव द्वारा अत्यधिक गर्मी को देखते हुए छात्र हित में स्कूलों को बंद करने का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन अवकाश विस्तार में उर्दू स्कूलों की अनदेखी की गई। स्कूलों को बंद रखने का आदेश शनिवार अर्थात 17 जून तक ही था। JRSU में घोटाला, ताला तोड़, गायब की गई भ्रष्टाचार की फाइलें। झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुल सचिव आमने सामने आ चुके हैं। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऑफिस से 10 महत्वपूर्ण फाइलें गायब है, जिसमें घोटाले की बू आ रही है। यहां तक कि फाइल के पन्नों पर व्हाइटनर गिरा दिए गए ताकि गड़बड़ झाले का पता न चल पाए। गड़बड़ी करने वाले इतने साथ निकले कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कंप्यूटरों के हार्ड डिस्क को भी क्रैश कर दिया है। इसमें दर्ज सभी डाटा डिलीट हो गए। रजिस्ट्रार कर्नल डॉक्टर राजेश कुमार ने इस संबंध में 16 जून को गोंदा थाना में FIR दर्ज कराई है। संताल से लेकर कोयलांचल तक वज्रपात और गर्मी से 6 लोगों की मौत। संताल से लेकर कोयलांचल तक मौसम कहर बरपा रही है। कहीं प्रचंड गर्मी रौद्र रूप दिखा रही तो कहीं वज्रपात हो रहा है। बता दें, रविवार को गर्मी और वज्रपात ने 6 लोगों की जिंदगी छीन ली है। गिरिडीह में वज्रपात से किशोरी की मौत हो गई। वहीं साहेबगंज में वज्रपात ने 2 व दुमका में 1 की जान ले ली। वहीं गोड्डा में लू लगने से 2 लोगों की जान गई है। गिरिडीह मुफसिल थाना क्षेत्र के बंदरकुप्पी गांव में बारिश के दौरान 13 साल की शबनम परवीन की भी मौत हो गई है। टाटा स्टील विस्तारीकरण पर खर्च करेगी 16,000 करोड़। टाटा स्टील चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय ऑपरेशन और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में 16,000 करोड़ रुपये समेकित पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च करेगी। टाटा स्टील ने अपनी वित्तीय रिपोर्ट 2022-23 में इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट में कंपनी के CEO सह MD TV नरेंद्रन व चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौशिक चटर्जी ने संयुक्त रूप से यह जानकारी दी है। दोनों अधिकारियों ने बताया कि टाटा स्टील स्टैंड ऑन ऑपरेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए और भारत में अपनी सहायक कंपनियों पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य तय किया है। कंपनी यह पूरा पैसा अपने आंतरिक स्रोतों से प्राप्त करेगी। वहीं 10,000 करोड़ रुपए में 70% राशि यानी 7,000 करोड़ रुपए कलिंग नगर प्रोजेक्ट पर खर्च किया जाएगा। नक्सलियों द्वारा बिछाए ID की चपेट में युवक की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र रेला में IED धमाके में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय विष्णु होनहांग के रूप में हुई है। वहीं उसका एक साथी धमाके की जद में आकर घायल भी हो गया। विष्णु घर से निकलकर अपने परिचित के साथ लकड़ी लाने जंगल की ओर जा रहा था। गाँव से कुछ ही दूर पर पगडंडियों में जमीन के नीचे लगा IED अचानक फट गया। धमाके में उसका एक पैर उड़ गया है और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। चतरा में जामुन के पेड़ से गिरने से 2 बच्चियों की मौत। चतरा के लावालौंग प्रखंड मुख्यालय लावालौंग के पुरना डीह टोला में जामुन के पेड़ से गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। बता दें, दोनों की उम्र करीब 14 साल थी। मृतकों में अमेरिका गांजू की बेटी फूलमतिया कुमारी और रामपति गांजू की बेटी किरण कुमारी का नाम शामिल है। दोनों शवों को पुलिस अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियां जामुन तोड़ने के लिए गांव के सीमाने पर गई थी। दोनों एक ही जामुन के पेड़ के ऊपर सिरे के पतली डाली पर चढ़ गई थी।
वाहन चलाते समय न करें मोबाइल पर बात, कटेगा चालान। राजधानी रांची में ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करते पकड़े गए तो आपकी खैर नहीं है, बता दें अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। पिछले 6 महीने में 218 लोग मोबाइल पर बात करते हुए कैमरे के माध्यम से पकड़े गए, जिनका चालान उनके घरों तक पहुँच गया है। विभाग की यह कवायद सड़क हादसों में कमी लाने के लिए है। बता दें मोबाइल फोन सड़क हादसों की एक बड़ी वजह बन रहे हैं। छात्रों को यह कारोबारी या फिर नौकरी पेशा आज किसी के पास भी चैन से बैठने का समय नहीं। ऐसे में बाइक और कार चलाते समय लोग फोन पर लगातार बात किया करते हैं। पटना में विपक्ष की होने वाली बैठक पर रघुवर दास का तंज, भ्रष्टाचारी कर रहे मीटिंग। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। इस पर तंज कसते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास इसे दिल जले और भ्रष्टाचारियों की बैठक करार दे रहे हैं, जबकि राजद की अनीता यादव का कहना है कि विपक्षी एकता से बीजेपी हताशा में है। बता दें 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पटना में 18 विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। पीएम मोदी के खिलाफ मजबूत विपक्षी एकता बनाने के लिए होने वाली इस बैठक को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने निशाना साधा। रघुवर दास ने पटना में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को पीएम बनाने का सपना देखने वाले दिलजले लोगों की बैठक करार दिया है। गरीब का बेटा योग दिवस पर अमेरिका में करेगा योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को राज्य भर के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुना। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि एक गर्व की बात है कि योग दिवस के दिन एक गरीब का बेटा अमेरिका में योग कराने जा रहा है। यह भारत के विश्व गुरु बनने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात की। पीएम की प्रस्तावित विदेश यात्रा की वजह से इस बार मन की बात अंतिम रविवार से एक सप्ताह पहले की गई। इस दौरान पूरे राज्य में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मन की बात सुनी। बता दें रांची के चुटिया मंडल में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मन की बात सुनी है। बढ़ती गर्मी से गड़बड़ा रहा लोगों का मानसिक संतुलन। रिम्स के न्यूरो विभाग में मरीजों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। रिम्स न्यूरो विभाग के चिकित्सक डॉक्टर रूपेश बताते हैं कि अमूमन गर्मी के मौसम में लोग अस्पताल नहीं पहुँचते। गर्मी की वजह से लोगों को कई अन्य शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर लोग गर्मी के मौसम में अस्पताल या फिर कहीं जाने से परहेज करते हैं। बता दें इस वर्ष की यदि बात करें तो रिम्स के न्यूरो विभाग में मरीजों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ साथ न्यूरो से जुड़ी कई बीमारियों की शिकायत लेकर लोग अस्पताल पहुँच रहे हैं। पंजाबी हिंदू बिरादरी के नए अध्यक्ष सुधीर उग्गल। पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष पद के लिए रविवार को चुनाव संपन्न हुआ। इसमें सुधीर उग्गल अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किए गए। पंजाबी भवन में संपन्न हुए चुनाव में सुधीर उग्गल ने 32 वोट से जीत हासिल की है। कुल 464 मतदाताओं ने वोट दिए, इनमें उन्हें 248 वोट मिले हैं, जबकि मदन सेन कुजारा को 216 वोट मिले हैं। इसमें काफ़ी संख्या में महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहला वोट रवि परासन ने दिया है। जामताड़ा के 39 स्कूलों के शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। जामताड़ा जिले के शिक्षक यू डैश पोर्टल पर यू डैश चाइल्ड मैंडेटरी फील्ड ऑपडेशन का डाटा अपलोड करने में रुचि नहीं ले रहे। इससे शिक्षा विभाग का कार्य समय से पूरा नहीं हो पा रहा। शिक्षा विभाग ने 39 से ज़्यादा स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को पत्र भेजकर 2 दिनों में डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन चेतावनी के बाद भी पूरी नहीं किया जा सका। अब जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक राम ने ऐसे स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को पत्र के माध्यम से कहा है कि ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर यू डैश चाइल्ड मैंडेटरी फील्ड अपडेशन के लिए सभी को निर्देश दिया गया है। इस संबंध में कई बार प्रखंड कार्यालय एवं संकुल साधन सहयोग की ओर से भी सभी को इस कार्य को 9 मई 2023 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था, परंतु अभी तक पूर्ण नहीं किए गए हैं। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।